हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएमवी प्रिंटर के हेड के बारे में कि आप हेड कैसे चेक करेंगे कि हेड ओके है या ओके नहीं है। दोस्तों, तो इससे पहले जो मैंने दो वीडियो बनाया है, डीएमवी प्रिंटर एलेक्स 300 मॉडल इसका बनाया था, और अभी मैं इसके हेड कैसे आप चेक करेंगे उसका बनाऊंगा। फिर इसके अगले वीडियो में आपको दूंगा बनाऊंगा एक टीवीएस का जो मॉडल है डीएमवी प्रिंटर का, इस पे। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे ही प्रिंटर के बारे में जानकारी लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं इसका। अगर इससे प्रॉब्लम क्या क्या आता है, सबसे पहले ये मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर इस पे प्रॉब्लम आता है तो आपके पेपर पे वर्ड मिसिंग का प्रॉब्लम आने लगता है, यानी कोई वर्ड डॉट डॉट मिलके अगर कोई एक वर्ड बन रहा है तो उसमें लाइनिंग आने लगता है, यानी इसका एक पिन कोई मिस हो जाएगा तो आपको लाइनिंग आना चालू हो जाएगा आपके पेपर पे। डीएमवी प्रिंटर का एक फॉल्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, तो जो सबसे पहले इसमें जो केबल आता है, हेड का जो केबल आता है यानी लॉजिक कार्ड से, उसको पहले आपको ट्रेस कर लेना है। जो लॉजिक कार्ड से आता है उसको पहले आपको ट्रेस कर लेना है, यानी चेक करना है केबल को। फिर इसके बाद आते हैं यहां पे दोस्तों। सबसे पहले आप ध्यान से इस पे देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे पिने जो होती हैं एक बराबर यहाँ पे आई हुई होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई पिन इसके अंदर दब गया है उस कंडीशन में होता है क्या कि ये बीट नहीं कर पाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम आने लगती है। तो पहले तो इसको आप बढ़िया से ध्यान से देख लेंगे या दोनों। अभी मेरे पास दो हेड है, एक है टीवीएस का और ये है एप्सन का। ठीक है, तो हम दोनों को आपको चेक करके बताएंगे कि कैसे आप चेक करेंगे कि ओके है या ओके नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे ट्रैक बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक बने हुए हैं और यहाँ पे है क्या कि जो तीन जो डॉट्स आपस में मिले हुए हैं वो कॉमन पॉइंट होते हैं। ठीक है, या ये भी हो गया, इसमें भी जो तीन पॉइंट है वो आपस में जो भी तीन पॉइंट्स आपस में मिले होंगे वो कॉमन पॉइंट होते हैं। तो आपको एक मल्टीमीटर से इसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मल्टीमीटर उठाएं, मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे ला लेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे लाएंगे। ठीक है, और दोनों फ्रॉग को सटाकर चेक कर लेंगे। जैसे फ्रॉग सटाएंगे यहाँ पे 001 शो कर रहा है, यानी आपका मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पे आ गया है या बीप दे रहा है। तो दोस्तों, अब हम आपको बात कर रहे थे कि जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये तीन आपस में जो डॉट्स मिले हुए हैं ये हैं आपके कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट पे होता क्या है कि अगर आपने ऐसे हम एक फ्रॉग रखते हैं कॉमन पॉइंट पे, ठीक है, और ऐसे चेक करना है सब पे एक एक करके। ठीक है, ऐसे 34, 33 डिजिटल मल्टीमीटर में एक पॉइंट मतलब निक्रेज डिक्रेज होते रहता है। ठीक है, तो सब पे सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, सारे पिन पे चेक करेंगे, सब पे सेम वैल्यू अगर आता है आपका तो आपका जो हेड है वो ओके होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 34, 34 हमने सारा हेड इसका पिन चेक कर लिया, यानी ये ओके है। अगर ये ओके नहीं होता तो सब पे डिफरेंट वैल्यू आता, अलग अलग आता। जैसे अब मैं ये वाला चेक कर रहा हूं हेड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन आपस में ये जुड़े हुए हैं, 1, 2, 3, ये आपका कॉमन पिन हो गया। तो यहाँ पे आपको ब्लैक फ्रॉग रखना है, ठीक है, और फिर सब पे चेक करना है। आप देखिए दोस्तों कि ये शॉर्ट है जिसकी वजह से कंटिन्यूटी बीप आ रहा है। देखिए, इधर भी पा रहा है और इधर देखते हैं, इधर भी पा रहा है। तो जो शॉर्ट हो जाता है क्वायल उस पर आपको देखिए, इस पर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, इस पर भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, इस पर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा, इस पर भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। यानी अगर आपका ये क्वायल ओके होता तो इस पे ओके होता तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो पिन है
हेड का पिन प्रॉपर बीट नहीं कर रहा है, हल्का बीट हो रहा है, तो आप एक सुई लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि होल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है कि कुछ फंस जाता है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये कैसे ये निकल रहा है, आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ बहुत सारे डस्ट वगैरह फंस जाने के कारण इस तरह से प्रॉब्लम आती है। तो आप इस तरह से हेड को क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हेड है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसको साइड में ऐसे आपको चेक कर सकते हैं, देख लीजिए ये किस तरह से इसमें आपको डस्ट निकल रहा है। तो इस तरह से आप इसके हेड को भी पहले क्लीन करके देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद सर्किट अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, उसके बाद ही आप इसको क्लियर करेंगे कि ये खराब है या सही है। हमने अपने सारा आप कैसे इसको ओके टेस्टिंग करेंगे कि ये सही है कि खराब है, ये हमने आपको बता दिया। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रिंटर के बारे में मिलेगा जो टीवीएस कंपनी का, इसमें कैसे कैसे फॉल्ट आते हैं और क्या क्या आते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके जाने प्यार में।